हेलो गाइस, मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो एक नए व्लॉग के साथ हम आए हैं दुबई सफारी घूमने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ अंदर जाके देखते हैं कि क्या एनिमल्स हमें देखने मिलते हैं। यहाँ पर तीन सेक्शंस हैं, जैसे कि अफ्रीकन विलेज, एक है एक्सप्लोरर विलेज और एक है एशियन विलेज, और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आज हम दुबई सफारी में। गाइस, दुबई सफारी पार्क ये एक इको फ्रेंडली सफारी पार्क है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। ये पार्क अल वर्का 5 हट्टा रोड पर स्थित है। दुबई सफारी पार्क के रेगुलर टिकट्स 45 दिराम पर पर्सन और सफारी जर्नी टिकट्स 95 दिराम पर पर्सन है। हमने 95 दिराम वाली टिकट्स ली है और ये एक्चुअल में पूरा डे पास होता है। यहाँ घूमने के लिए आपके पास हाफ डे होना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो आपको लगेंगे पूरे दुबई सफारी पार्क को देखने में। यहाँ आने का बेस्ट पीरियड है नवंबर टू मार्च। यहाँ आपको आउटसाइड फूड और बेवरेजेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन एंट्री में ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगी जहाँ आप स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको प्रॉपर क्लोथिंग करनी होगी, शॉर्ट्स एंड स्लीवलेस यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऑल डे एक्सेस टिकट में अलवादी एरिया, द अफ्रीकन एशियन एक्सप्लोरर विलेजेस, किड फार्म, 10 मिनट अरेबियन डेजर्ट सफारी और सफारी जर्नी गाइडेड बस टूर इंक्लूडेड है। सफारी जर्नी गाइडेड बस टूर की लास्ट बस 4:30 PM की होती है, इसलिए आप एंट्री करने के बाद बेटर है कि इस गाइडेड बस टूर को पहले कर ले। दुबई सफारी पार्क पहुंचने के लिए आप कार टैक्सी हायर कर सकते हैं, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हमारी तरह आ सकते हैं। मेट्रो लेकर क्रीक मेट्रो स्टॉप ग्रीन लाइन पर आकर आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी से आपको 16 मिनट्स लगेंगे और इसका कॉस्ट अराउंड आपको 25 to 30 dirham होगा। और अगर आप बस लेते हो तो सेंटर पॉइंट बस स्टेशन से बस नंबर F10 लेकर आप दुबई सफारी पार्क आ सकते हैं। बस से आपको आने के लिए अराउंड 1 आवर लगेगा। हम जा रहे दुबई सफारी पार्क और इसके लिए हमने बर्जुमान स्टेशन से ली मेट्रो सेंटर पॉइंट के लिए, और सेंटर पॉइंट से अब ले रहे हैं हम बस सफारी तक। F10 नंबर है बस का और अभी अराउंड 10 मिनट्स में वो आएगी और 1 आवर लगेंगे हमें सफारी पार्क पहुंचने में। एंट्री में टिकट दिखाकर बैंड पहनना होगा और इस बैंड को आपको एंड तक रखना होगा। एवरी 10 मिनट्स यहाँ बस आती है जो आपको अफ्रीकन विलेज ड्रॉप करेगी। गाइस, हमने ली है ट्रेन और ट्रेन से हम पहुंचे। अभी पहला हमारा जो स्पॉट है वो है अफ्रीकन विलेज, तो चलिए इसे विजिट करते हैं। अंदर जाके देखते हैं कि हमें अफ्रीकन कौन से एनिमल्स देखने मिलते हैं। चलिए मेरे साथ। ये है यहाँ का मैप फॉर गाइडेंस। दिस इज चिंपांजी हाउस, तो चलिए देखें इसे। वाओ, 4 of them। ये भाई साहब कैरेट की मजा ले रहे हैं। Wow, the monkey faces. ये है गोरिल्ला हाउस, चलिए देखते हैं इसे। देखिए गोरिल्ला है यहाँ पर, टायर के साथ बैठा है पकड़ के और कुछ अजीब सा आवाज भी कर रहा है।
सिल्वर बैग गोरिल्ला है, उसकी बैग देखिए पूरी सिल्वर है। कार्ड्स भी अवेलेबल है ड्रॉप एंड पिकअप के लिए। गाइस यहां से लेनी है हमें बस टूर। गाइस हमारी बस टूर स्टार्ट हो गई। ये गाइडेड टूर है तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और सभी एनिमल्स को आप आराम से बैठकर देख सकते हैं। इट्स रियली कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर किड्स एंड सीनियर सिटीजन। ये बस सभी जोन्स में घुमाती है और सारे मेजर एनिमल्स देखने मिलते हैं। Wow, the giraffe. So many monkeys. कुछ डियर्स भी है यहाँ पर। Wow, ऑस्ट्रिच भी देखने मिला। जिब्रा से है यहां पर। ओ माय गॉड, व्हाइट लायन एंड लायनेसेस। राइनोज विद हॉर्न जो काफी रेयरली देखने मिलते हैं। ये है कुछ बफेलोस। सो बिग क्रोकोडाइल्स, वो भी दो। दीज आर ऑल एशियन डियर्स। ये देखिए टाइगर, माय गॉड बहुत सारे हैं। ये है हाइना, दे ऑलवेज लिव इन ग्रुप। ओ वाओ, चीता भी देखने मिला। माय गॉड, दो दो है।
अफ्रीकन विलेज की एंट्री में देखे हमने मंकीज। इतने सारे व्हाइट लायंस। ये है हाइना, लेकिन सारे रेस्ट कर रहे हैं। ये है सैंड टर्टल और ये शायद बोर है। सर्वल देखिए अच्छे से व्हील को घुमा रहे हैं। एलिफेंट्स भी है यहाँ पर। और ये है स्ट्राइप्ड हाइना। ज़ेब्रास फिर से एक बार देखे हमने। वाओ बहुत सारे फ्लेमिंगोस। पीक में हिप्पो देखते हैं। ओ कितना शॉर्ट है ये। गाइस अब चलते हैं बर्ड्स देखने। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो पीकॉक है, पर पीकॉक की खास बात ये है कि ये ओपन में है, ये किसी केज या किसी एनक्लोजर के अंदर नहीं है। ही इज कंप्लीटली फ्री। एवियरी के अंदर आते ही आप ऐसे अलग अलग टाइप के बर्ड्स देख सकते हैं। डक्स है, पीकॉक्स है, स्वान्स है। चलिए अभी आगे देखते हो कौन से बर्ड्स है यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए एक और पीकॉक है एवियरी के अंदर। और उस तरफ आप देख सकते हो, सुन सकते हो डक से जोर जोर से चिल्ला के भाग रहे, दूसरे डक्स को भगा भी रहे। ये देखिए गाइस यहाँ पे एक मकाऊ भी है, उसके थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करते हैं अभी।
सो गाइस वहाँ पे आप देख सकते हो कि दो मोरनियाँ बैठी हुई है झाड़ियों के बीच, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं। आपको शायद कैमरा में ना दिखते हो, पूरे एवियरी का एक व्यू लेने के लिए इन्होंने से एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई, व्यू पॉइंट बनाए। चलिए ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस तो हम ऊपर आ गए, यानी कि ऊपर से हमें ये वाइट कलर का बर्ड दिख रहा है, देखिए सामने की तरफ, और ऊपर से आप व्यू देख सकते हो पूरा कैसा है। यहाँ से पूरे एवियरी का व्यू दिखता है, और दो टावर्स है उनके बीच में इन्होंने ऐसा एक ब्रिज बनाया हुआ है। एक नदी में एक बतख तैर रहा है और एक बगला बैठा है नदी के किनारे। गाइस टावर में ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट भी है, चलिए लिफ्ट में जाके देखते क्या है। टावर के ऊपर से भी सिमिलर पूरे एवियरी का व्यू, सामने वाले टावर का व्यू आप देख सकते हो। गाइज हम चलते हैं अब रेप्टाइल हाउस देखने। बहुत ही अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स है यहाँ पर, स्नेक्स, लिजर्ड्स, पाइथॉन्स, कैमिलियंस, फ्रॉग्स, टर्टल्स, तो चलिए देखते हैं इसे। गाइज ये था हमारा दुबई सफारी का विजिट, और ये दिखा है मैंने आपको सारे एनिमल्स। सीरियसली बहुत से एनिमल्स यहाँ हमने देखने मिले, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप दुबई सफारी आते हो तो आपको आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 hours होने चाहिए पूरा घूमने के लिए। बहुत बड़ा है, बहुत एनिमल्स है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ करने के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ के हम वीडियोग्राफी नहीं कर सके क्योंकि वहाँ मना कर रहे थे, जैसे बर्ड शोज़ है, जिराफ फीडिंग है, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा भी है अंदर जो आप कर सकते हो, और वो सारे इस टिकट में ही पेड है।
तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप एटलीस्ट 4 to 5 hours लेकर आइए, मतलब आपका एक पूरा दिन का ये विजिट रहेगा दुबई सफारी, लेकिन इट इज़ वर्थ कमिंग। तो डेफिनेटली इस दुबई सफारी को विजिट करिए, और मेरे अगर आप इस तरह के कंटेंट्स पसंद करते हो, मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।